मनोज तिवारी की बेटी मनोज तिवारी जैसी ही टैलेंटेड है। जी हाँ, भोजपुरी को पुनर्जीवित करने वाले मनोज तिवारी की फैमिली के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे आपको बता दें कि जब मनोज तिवारी अपनी पत्नी से सेपरेट हुए तो उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और खुद उनकी पत्नी रानी तिवारी ने भी ऐसा नहीं किया। दोनों ने मिलकर अपनी बेटी रीति की परवरिश बहुत अच्छी की है। साथ ही आपको बता दें कि रीति पिता की तरह ही है। जी हाँ, गाने में निपुण है और साथ ही साथ एक बैंड भी चलाती है और म्यूजिक भी देती है। गिटार तो रीति बहुत ही खूबसूरत बजाती है। रीति के बारे में वैसे भोजपुरिया जहाँ लोगों को बहुत ही कम पता है, तो हम आपको बता दें रीति सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है। यूट्यूब पर उनका खुद का एक चैनल है, इंस्टाग्राम पर वो अपने गाने की क्लिपिंग डालती रहती हैं। उनकी आवाज़ के कुछ वीडियोस हम भी आपके पास लेकर आए हैं ताकि आप देख सकें कि जैसा पिता वैसी बेटी। गए तुम गए हो क्यों रात बाकी है। गोरी है तू किन्नी गोरी है, तू जमीन पे चांद की जोड़ी है। दूरी है बड़ी बुरी है, तूने आँखी नियत बुरी है। नजर ना लग जाए जानू थोट ये खबराए सानू। नजर ना लग जाए जानू थोट ये खबराए सानू। रीति अपने पिता का नाम लेकर कहीं फेमस नहीं होना चाहती, ना ही वो ये चाहती हैं कि लोग ये जाने कि वो मनोज तिवारी की बेटी है। तभी तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखी हुई है, लोगों से छिपा कर भी रखा है। साथ ही आपको ये बता दें कि वो मुंबई में रहती हैं और पिता दिल्ली में। मनोज तिवारी बीजेपी सांसद हैं और वो दिल्ली में रहते हैं और बेटी रहती हैं मुंबई में। वैसे तो पिता से उनकी रोज़ फ़ोन पर बातें होती हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान पिता से वो लगभग 5 महीने तक दूर रहीं और खुद उनके पिताजी मनोज तिवारी ने इस बात की पुष्टि की अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। मनोज जब भी मुंबई आते हैं वो रीति के साथ क्वालिटी टाइम बिताना बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। साथ ही मुंबई वाले घर में मनोज तिवारी और रीति जब भी बैठते हैं म्यूजिक की ही बात करते हैं। मनोज तिवारी इस बात से बहुत खुश है कि बिटिया म्यूजिक में अपना कैरियर बनाना चाहती है। वैसे म्यूजिक से दिल से जुड़ाव है मनोज तिवारी का और आज जो कुछ भी है वो म्यूजिक की वजह से ही है। जब भी बिहार आना जाना रहता है तब माँ के साथ बतियाना बिल्कुल नहीं भूलते मनोज तिवारी। वैसे बात आज बेटी की उठी है तो आपको बता दें कि रीति बचपन से ही एक टैलेंटेड चाइल्ड रही है, उन्हें स्पोर्ट में भी काफी रुचि रही है। तभी तो वो जब छोटी सी थी तभी से महेंद्र सिंह धोनी, आरपी सिंह इन सभी से स्पोर्ट के बारे में जानकारी लेती रहती थी। और खुद रीति की मम्मी रानी तिवारी भी अपनी बिटिया के कैरियर को लेकर काफ़ी पजेसिव और प्रोटेक्टिव दिखाई देती हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी अच्छी आवाज़ होने के बावजूद भी रीति बॉलीवुड में कोई गाना नहीं गाती। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि वो अपने पापा के बिहाफ पर कहीं जाकर कोई काम नहीं बना चाहती, वो अपने दम पर अपना मुकाम बनाना चाहती जिस तरह से मनोज तिवारी ने अपना मुकाम बनाया। खैर अच्छा है, ये सारी चीज़ें तो हम अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।